सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरू के प्रेडिक्शन। तो गाइस कैसे हो आप सब, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग 2023 के 56 T20 मैच के बारे में। दोस्तों मैच होने वाला है कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। दोस्तों अगर मैच के पूरी अपडेट चाहिए तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते चले ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको पूरी मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिससे आपको टॉस मैच सेशन की पूरी जानकारी दी जाएगी, और हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैच की ओर। यह मैच होने वाला है 11 मई को इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग शाम के 7:30 पर यह मैच स्टार्ट होगी। यह मैच के लिए जाएगी ईडन गार्डन कोलकाता इंडिया में। अब बात करते हैं दोनों टीमों का टीम फॉर्म चेक करते हैं। रिसेंटली 5 मैच में दोनों टीमों का परफॉर्मेंस क्या देखने को मिला। तो वहीं पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो जहां 5 मैच में से 3 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं 2 मैच हार के आ रही है। वहीं दूसरी टीम अगर राजस्थान रॉयल्स की बात की जाए तो राजस्थान रॉयल्स अपना 5 मैच में से 4 मैच हार के आ रही है, तो वहीं 1 मैच जीत के आ रही है। तो यहाँ टीम फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स 2 मैच से आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करना है लास्ट 10 मैचेज में, तो जहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स 7 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स 3 मैच जीत के आ रही है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हेड टू हेड में भी कोलकाता नाइट राइडर्स 4 मैच से आगे चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन करते हैं लास्ट 10 मैचेज में क्या क्या एक्सपेक्टेशन देखने को मिल सकते हैं। तो पहले कंपेरिजन विनिंग परसेंटेज की बात की जाए तो जहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स का 50% देखने को मिल रहा है, तो राजस्थान रॉयल्स का 40% देखने को मिल रहा है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 184 है, तो राजस्थान रॉयल्स का 181 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 207 है, तो राजस्थान रॉयल्स का 214। लोएस्ट स्कोर की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स का 127 है, तो राजस्थान रॉयल्स का 118 है। तो ये रहे दोनों टीमों का टीम कंपेरिजन। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपेरिजन के मामले में दोनों का इक्वली फॉर्म देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं वेदर की। आज के मैच में वेदर कैसी रहेगी, तो मौसम पूरी तरह क्लियर रहने वाली है, यानी साफ रहेगी। अगर सेल्सियस की बात की जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस रहेगी। अगर वो ह्यूमिडिटी देखें तो 49% रहेंगे, वहीं 1% वर्षा होने की चांसेस रहेगी। तो ये रहे आज के मैच के वेदर की रिपोर्ट। बढ़ते फैन चलते हैं पिच की ओर। आज का मैच इस पिच पे कैसा होने वाला है, तो इस पिच पे अभी तक टोटल 86 मैच खेले गए, जो हर एक मैच काफ़ी ज़बरदस्त हुई है। अगर इस पिच की सरफेस की बात करें तो जो भी टीम अगर टॉस जीत के बॉलिंग करती है तो मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन सकता है, क्योंकि अगर डिफेंड की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी कम रन लग सकते हैं डिफेंड में। अगर वहीं चेस करने वाली टीम की बात करें तो यहाँ पर इस पिच पे इजली वे में मैच चेस कर सकती है। इस पिच का फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इस पिच पे 160-165 के लमसम में रन जाएगी। वहीं अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में मे भी उतना रन जाएगी। तो मैच काफ़ी जितने भी अभी तक मैच देखे गए हैं इस पिच पे, जो कि कोलकाता का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे कोलकाता के लिए एक प्लस पॉइंट भी हो सकती है मैच जीतने के लिए। तो जितने भी अभी तक मैच हुए हैं काफ़ी ज़बरदस्त हुए हर एक मैच। उम्मीद है कि ये भी मैच दोनों के बीच में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोनों टीमों का टीम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त टीम है, पूरी फॉर्म में चल रही है। यहाँ अगर बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप देखें तो दोनों का कम्बिनेशन ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। वहीं अगर दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स की बात करें, नो डाउट ये भी टीम अच्छी है, बट यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को अपना बॉलिंग सुधारने की ज़रूरत है। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग। अगर पॉइंट टेबल की बात की जाए तो यहाँ पर कोलकाता ऊपर में, वहीं कोलकाता के नीचे राजस्थान है। वहीं अगर माइनस देखें तो माइनस में राजस्थान चल रही है, तो यह नेसेसरी हो सकती है राजस्थान के लिए मैच जीतने के लिए। तो दोनों के बीच में मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, स्पेक्टेटर के विकेट बॉलर्स के फेवर में रहेंगे, वहीं बैटर्स स्ट्रगल करेंगे ब्रियेवल बॉन्स पे। अब चलते हैं फ्रेंड दोनों टीमों के की प्लेयर्स की बात करते हैं। तो पहली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के की प्लेयर की बात करें तो नीतीश राणा, रिंकू सिंह, डेविड रॉयस, सुनील नारायण। वहीं दूसरी टीम राजस्थान रॉयल्स के की प्लेयर की बात करें तो संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, कुलदीप यादव, जॉस बटलर। दो टीमों की प्लेयर जो आज के मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं विनर की ओर। देखा जाए तो स्टैटिक्स को मद्देनजर रखते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स हमारे हिसाब से स्ट्रॉन्ग टीम है, मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखता है। तो आप लोग क्या लगता है, अपने व्यू को कमेंट सेक्शन में जरूर मैंशन कीजिएगा। और जाने से पहले दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।